एक ढांचा माना है जिसे मल मूत्र धूप लार मज्जा रक्त मन और निष्ठा के अलावा कुछ है ही नहीं। तो इतना शरीर घटिया है कि हम रोटी खाएं तभी निष्ठा में बदलता है और मिठाई खाएं तभी निष्ठा में बदलता है। हमें क्षमता नहीं है कि हम उसको और किसी रूप में कन्वर्ट कर सकें। पशु घास खाता है तभी दूध में कन्वर्ट कर लेता है, हम ऐसा नहीं कर पाते। इसलिए शरीर यूजलेस है, मगर शरीर अद्भुत और आश्चर्यजनक है। यदि इसको सही गुरु मिलता है और बताता है कि शरीर का कौन सा अंग अपने आप में कितना महत्वपूर्ण है। टीवी मेरे घर में पड़ा है, अगर मुझे उसकी ऑन ऑफ का कोई नॉलेज नहीं है तो टीवी 10 साल भी रहेगा तो मैं उसको कोई लाभ नहीं उठा पाऊंगा। आप भी शरीर का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। लाभ उठाने से क्या लाभ होगा? जीवन अपने आप में ऊर्ध्वगामी बनेगा, एक ऑर्डिनरी जीवन नहीं किया जाएगा। और ऊर्ध्वगामी जीवन ये कहा जाता है कि मैं कौन, पूर्व जन्म में कहां था और इस जीवन में कहां हूं और आज तक क्या किया, वो तो आपको मालूम है। मगर आप दूसरे को भी बता सकते हो तुमने जन्म से लगा के आज तक ये काम किया है, चाहे तुम्हारे बुआ हो, चाहे मौसी हो, चाहे माया हो, चाहे बाप हो, चाहे दादा हो, चाहे काका हो, चाहे पड़ोसी हो, देखते एकदम आंखों के सामने उसका पूरा नक्शा खुल जाता है कि जीवन में इसने ये काम किए हैं। वो चाहे कितना ही सच्चा ईमानदार दिखाई दे, हम दो क्षण भाव लेते हैं कि दुष्ट और बदमाश गया भी आदमी है, दो मिनट भाव लेते हैं। ऊपर से इसका मुकुट आ जाता है और हम एक बहुत बड़े धोखे से बच जाते हैं, बहुत बड़े छल से बच जाते हैं। यह एक गुण हुआ। दूसरा गुण की इसके मन में क्या है, मेरे प्रति प्रेम है या क्रोध है या घृणा है या धोखा देने की क्रिया है, एक क्षण अपने आप ऑटोमेटिक क्रिया हो जाती है, बांध जाते हैं उसको, तो जीवन तो दिख जाता है ना उसका। यह भी अपने आप में पूरा ब्रह्मांड भेदने, ब्रह्मांड का मतलब है कि मैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, अस्मि मैं ब्रह्म हूं। मगर मुझे ज्ञान नहीं है कि मेरा ब्रह्म जागृत कैसे हो सकता है, और ब्रह्म जागृत होगा नहीं तो उस क्रिया को आप नहीं देख पाएंगे। और राजयोग का मतलब यही है कि हम अपने नेत्रों को ज्ञान नेत्र और ज्ञान नेत्र से भी आगे बढ़ के आत्मनेत्र जागृत करें। ज्ञान नेत्र तो ये है, मैं बोल रहा हूं आप ज्ञान सुन रहे हैं, ये ज्ञान नेत्र जागृत हो रहा है कि ऐसी भी कोई चीज होती है, ये ज्ञान बढ़ा, इसको ज्ञान नेत्र कहा गया। आत्मनेत्र कि हम देख रहे किसी का भी संसार में, और देखते कई बार मन में घृणा सी होगी कि इनको तो मैं ऐसे समझ रहा था, ये पैसा निकल गया, मगर हम बहुत बड़े हादसे से बच जाएंगे। मालूम पड़ जाएगा कि 2 मिनट बाद उसकी डेथ होने वाली है या 5 मिनट बाद एक्सीडेंट होने वाला है, हम उसको हादसे से बचा सकते हैं। ये बहुत बड़ी क्रिया है, मामूली बात नहीं है। हम किसी का जीवन बचा सकते हैं, हम किसी के जीवन की रक्षा कर सकते हैं, हम उसके पूरे जीवन को आकलन कर सकते हैं। और ब्रह्मांड को समझने का क्रिया है कि संसार में कुछ भी हमने किया है पूर्व जन्म में, इस जीवन दुख क्यों भोग रहे हैं, तकलीफ क्यों है, परेशानी क्यों है, गरीबी क्यों है, दरिद्रता क्यों है, जब वो मूल रोग मालूम नहीं पड़ेगा तो आप समृद्ध काल से नहीं प्राप्त कर सकते। और मेरा उद्देश्य आपको साधु बनाना है ही नहीं, मेरा उद्देश्य आपको समृद्ध बनाना है। साधु और समृद्ध एक चीज है। साधुता ज्ञान को प्राप्त करने की क्रिया को साधुता कहते हैं। समृद्धता जहां अपने आप में गर्व से सिर ऊंचा उठा करके हम कह सकें कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, ये समृद्धता है। दोनों एक ही चीज है। आप साधु रूप में तो मेरे पास बैठे हैं और नया साल है, मैं समृद्धता दें, मुझे साथ साथ वो ज्ञान व आत्मनेत्र भी दें। क्रिया में कई बार प्रश्नों में कहा है कि व्यक्ति का ब्रह्म नेत्र जागृत होना चाहिए, ज्ञान नेत्र जागृत होना चाहिए, आत्मनेत्र जागृत होना चाहिए, यही कहता आया हूं लास्ट 43 साल किया नहीं, ज्ञान तो दिया, आत्मचक्षु जागृत कैसे होंगे यह क्रिया समझाई नहीं किसी शिष्य को। समझा इसलिए नहीं कि किस योग्य थे ही नहीं, शिष्य लेवल पर नहीं खड़े हुए थे,
और उसके लिए 15 साल तक परिश्रम करना पड़ा मुझे, उस शिष्य को उस रंगमंच पे लाने के लिए, तैयार होने के लिए। आवाज दू और दौड़ते हुए आ जाए तब वो शिष्य कहलाता है, उस लेवल पे आप आके आज खड़े हुए हैं, तब ये मैं प्रभाव मानते हैं। आप भी 10-15 शिविरों में भाग लिया होगा मेरे साथ में, हंसे होंगे, मुस्कुराए होंगे। आप देखा होगा कि आदमी ज्ञान भी देता है, चेतना भी देता है, साधना भी करवाता है, जो एक बार साधना करवा दी उसको वापस जीवन में रिपीट नहीं किया। एक बार फिर पूजन करवा दिया, अगली बार फिर पूजन करवाया, दूसरे तरीके से करवाया, तीसरी बार करवाया, तीसरे करे, एक ही बात को 25 बार दोहराया ही नहीं। दोहराता वो है जिस बार एक ही पूंजी हो, एक ही चीज को बार बार रटेगा। यहां पर तो आप 500 बार कहेंगे तो 500 बार से पूजन अलग ढंग से करवाऊंगा, मंत्र प्रयोग करवाऊंगा तो अलग ढंग से करवाऊंगा, एक ही चीज को दूसरी बार रिपीट मैं नहीं कर पाता हूं, करता ही नहीं। इसलिए आत्मचक्षु जागृत होने चाहिए, और आज मैं कह रहा हूं कि आत्मचक्षु जागृत करना चाहता हूं, करूंगा, ये मैं आपको बता देने के लिए खड़ा हुआ। और इस पूरी क्रिया को ब्रह्मांड भेदन क्रिया कहते हैं। ब्रह्मांड भेदन का मतलब है, ब्रह्मांड का मतलब नहीं आकाश पाताल, ये नहीं। ब्रह्मांड का मतलब है कि पूरे हम अपने आप को, अपने शरीर के पिछले जीवन को, जो इस जन्म के पहले के जीवन को, ये मेरी पत्नी थी, पिछले जीवन कौन थी, क्यों मिली, ये क्या ये गुरु थे जो बार बार कह रहे कि तुम मुझे पिछले जीवन मिले हो, क्या सत्य बोल रहा है नहीं बोल रहा है, फिर आप कंफर्म कर सकते हैं। ये आदमी धोखा दिया क्यों दिया, पिछले जीवन का हिसाब बताया था या चढ़ा, ये मेरी बहन थी या मेरी पत्नी थी या मेरे भाई थी या दुष्ट थी या अच्छी थी या अच्छा था, मैं कहां था, कहां पैदा हुआ था, और अब जीवन में, इस जीवन में हूं, तो क्यों मुझे धोखे मिल रहे हैं, क्यों गरीबी आ रही है, क्यों दरिद्रता आ रही है, पिछले जीवन में क्या पाप किए थे, उसका समन क्या हो, दूरता क्या हो, कैसे दूर करूं, मैं स्वर्णता प्राप्त करूं। हम खड़े हों इसलिए मैंने इस श्लोक में कहा है कि नरत्वमेव नारायणमेव तमसो, तो नर हो और नारायण बनने की क्रिया, नारायण का मतलब है कि जहां लक्ष्मी स्वयं आके के सामने खड़ी रहती है और उसकी गर्ज होती है तो हमें आज होना चाहिए, हम लक्ष्मी के पीछे भागने वाले नहीं है, मैं उसकी जगह नहीं हूं। लक्ष्मी का स्थान नारायण के चरणों में होता है, वो सी स्नान को लेते रहते हैं, वो पाप दबाती रहती है, 1000 साल तक मैं ऐसे देखता आया हूं, वो लक्ष्मी है तो है पर वह है चरणों में पैर दबा रही है। जब पैर दबाने की क्रिया तक नारायण कर सकता है तो तुम्हारा नियंत्रण नहीं रह सकते, और जब तुम्हारा नियंत्रण में धन की कहां कमी है, समर्थता की कहां कमी है, भौतिकता की कहां कमी है, क्योंकि तुमको मैं उस जगह खड़ा करना चाहता हूं कि तुम्हें उनकी क्षमता हो कि वह आपके गले में माला पहना सके, आप जो आज गले वो लक्ष्य कर सके, वह समर्थता कहना इसलिए आज का प्रवचन एक लीक प्रतिकृतिक प्रवचन है, यह प्रवचन केवल क्षण नहीं है, यह प्रवचन आपको बहलाने की क्रिया भी नहीं है, यह प्रवचन आपको और किसी बात को समझाने की क्रिया भी नहीं है, यह प्रवचन यह है कि ये 96 ये जो साल है अगला साल, इसको एक नए तरीके से आपको मैं खड़ा करूं अगले 4 साल तक, संतोष नवी नई शताब्दी स्टार्ट हो, तो भौतिकता में डूबे हुए लोग होंगे, दुखी तनावग्रस्त परेशान, बंदूक की गोलियों की सांस लेने वाले, एक राइफल के नीचे मरने वाले, जगह जगह बंदूक विस्फोट होने वाले, और डब्बाली की तरफ सैकड़ों बच्चे एकदम आग में जुलूस करने वाले, और तुम्हें से कोई एक भी ज्ञानवान दिव्य नेत्र वाला होता तो बता सकता कि ये 5 मिनट बाद यहाँ आग लगने वाली है, बच्चों को तुम निकाल सकते थे, 4 लोगों को जान बचा सकते थे, तो तब होता जब आपके दिव्य नेत्र तक्ष जागृत होते तो। और अगर मैं चीखा चिल्लाया हरियाणा के मुख्यमंत्री इस बात की गवाह, मगर मिले ही नहीं, मैं चीखू चिल्लाऊ करूं तो मैं करूं, और उस हाथ में का दुख मुझे भी है, अनाथ बच्चे, छोटे बच्चे, किसी की मां मर गई, किसी का बाप मर गया, बच्चे झुलस गए, पता नहीं चला कौन सा बच्चा था कहां था। आप सोचिए कि हम इस देश में कितने घटिया लोग हो गए हैं कि हमारे आंख में कतरा आंसू नहीं पाया, और मैं जोधपुर में कहा दिल्ली में नहीं था, मैं दिल्ली से भी कम से कम 2000 किलोमीटर दूर था, और सारी रात में टेलीफोन गनगनाता रहा, और व्यक्ति यहाँ है, मैं कहा ये होने वाली घटना है, इसको बचाना है,
मगर टेलीफोन न लगा न वो मिल पाया और मैं उसकी बात कर रहा हूं जो यहां है। मगर ये तो गुलाम है, मगर आप डब्बाली के पास जा सकते थे। ये उदाहरण दिया मैंने कि जीवन में यह ज्ञान कितना अधिक आवश्यक है। और यही नहीं, अभी तो ब्रह्मांड का मतलब खाली पृथ्वी नहीं, पाताल लोक, मृत्यु लोक, कैलाश लोक, ब्रह्म लोक, इंद्र लोक, अप्सरा लोक, जितने लोक हैं उन लोगों को भी यहां देख सके, एहसास कर सके, चेतना युक्त बन सके, उतने ऊंचाई स्तर पर पहुंच सके, वह ब्रह्मांड भेदन क्रिया है, वह ब्रह्मांड भेदन चेतना है। इसलिए मैंने कहा कि राजयोग की चेतना आसान प्रयोग नहीं है, आसान चिंतन नहीं है। जब तक आप तैयार नहीं है तब तक राजयोग कमजोर के हाथ में तलवार देने से भी काम नहीं कर सकता। वो खुद तलवार नीचे रख करके खड़ा हो जाएगा। मर्द आदमी की मुट्ठी में तलवार दी जाए तो शरीर में लोग काट करके खड़ा हो सकता है। मर्दान भी होनी चाहिए, ताकत होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए, हौसला होना चाहिए, शरीर की तरफ दहाड़ने की क्रिया होनी चाहिए और कंठ में सरस्वती होनी चाहिए जहां बोले तो सामने वाला एकदम मंत्र मुक्त की तरह रुक सके, हिलने की हिम्मत नहीं हो उसकी। इसीलिए मैंने प्रश्न के प्रारंभ में कहा था कि ऐसे व्यक्ति के सामने मौत आंखें मिला नहीं सकती, हिमाच उसके सामने आ नहीं सकता, हिम्मत नहीं होती, क्योंकि वह उससे ऊंचा उठा हुआ होता है, उससे ऊंचाई के स्तर पर होता है, उसको मालूम होता है कि मेरी मृत्यु किस तारीख को कहां है, उस समय को मुझे कहां डालना है। लोग 2000 के आए साल प्राप्त कैसे कर लेते हैं, क्यों ऋषि मुनि 100 साल 200 साल 300 साल जिंदा रहते हैं, उनको मालूम है इस तारीख को इतने बजे यहां मेरी घटना घटेगी, उस समय को आप हट जाएगी। मैं सड़क के बीच में खड़ा हूं, कार दौड़ती हुई आ रही है, मुझे केवल 5 किलोमीटर सड़कना है, बस 5 किलोमीटर कार निकल गई और एक मौत 5 मिनट निकल गई और मैं खड़ा हुआ। पर एक सेकंड का काम था, पर एक सेकंड मुझे मालूम पड़ गया कि कार आ रही है, मुझे कुछ भी चली जाएगी, उस कार को पकड़ने की क्रिया में हटा सकती हूँ, हटा और मौत पास में निकल गई, अगली मौत 2-3 साल बाद आएगी जो अपने आप पहले मालूम पड़ जाएगी। इस प्रकार से आदमी मृत्यु को प्राप्त हो ही सकता और बुढ़ापे को भी प्राप्त नहीं हो सकता यदि उसको कायाकल्प के ज्ञान हो जाता है। तो कायाकल्प भी अपने आप में ब्रह्मांड वेदन और राजयोग का एक समन्वित स्वरूप है। मैंने कहा कि हाथ और पांव और शरीर और पेट नाक सब मिलकर के ही शरीर है, खाली हाथ नाम की बीमारी नहीं है, खाली पांव में नाम की बीमारी नहीं है, ये सारी चीज मिलकर के एक नाम की बीमारी है। ये सब कुछ चीज मिलने पर एक अपने आप में आप उस नर से नारायण होने बनने की क्रिया है, वो अपने आप में राजयोग। कल आप अभी महीने के बाद आप मुझे वापस मिलेंगे, शिवरात्रि होगी बनारस में आप वापस मिलेंगे, बनारस नहीं मिलेंगे तो होली होगी जो तुम्हें आप दौड़ते हुए आएंगे, रुक ही नहीं सकते, संभव नहीं। और बाप रुकते ही नहीं, मगर आपको खुद को तब तक एहसास हो जाएगा खुशी आपने कमाल कर दिया है, क्या कर दिया है, मैं देख रहा हूं कि बहुत मेरे बड़े आदमी है और सारा नशा मेरा सामने साकार हो रहा है। कुछ यह चीज अपने आप से पार्ट है राजयोग, यह चीज अपने आप से नर्स नारायण बनने की क्रिया है, यह चीज है जमीन से ऊपर उठ के आकाश को छूने की क्रिया है, यह चीज है अपने आप से अद्वितीय युग पुरुष होने की क्रिया है। और अगर मुझे तो आप कभी पहचानेंगे कोई जरूरी नहीं है, आज पहचाने 2 साल बाद पहचानेंगे, 10 साल बाद पहचानेंगे, 20 साल बाद पहचानेंगे, मगर बनना एक अलग चीज है, बना देना बहुत ज्यादा कठिन है और बनाने की क्रिया कर रहा हूं, बनने की क्रिया नहीं, बना दूंगा तो हूं उसकी चिंता नहीं है। इसलिए मैं आने वाली पीढ़ियों को दिखाना चाहता हूं, तुम्हारे बेटों को, तुम्हारे पोतियों को, तुम्हारे पोतों को, आने वाली पीढ़ियों को कि व्यक्ति कायाकल्प कर सकता है, व्यक्ति हजारों लोगों की मौत से बचा सकता है, वह तुम्हारे जिंदगी के एक क्षण को जांचता है, पड़ोसी को पहचानता है, पूरे देश की घटनाओं को आकलन कर सकता है, कोई देश का आक्रमण करेगा 2 मिनट मालूम पड़ सकता है, मैं जीवन उस जगह पहुंचूंगा कैसे पहुंच सकता हूं, रास्ता अपने आप आंखों के सामने क्लियर हो जाता है। हमारे यहां पर तो एक हवाई जहाज चलाना तो वित्तीय प्रधानमंत्री बन सकता है, तो बहुत बड़ी बात नहीं,
जिसको हवाई जहाज चलाना आता था और वो बन सकता है तो आप उससे कमजोर आप भी नहीं, आप बन इसलिए हम प्रत्येक क्षण इस ब्रह्मांड की चेतना ब्रह्मांड चेतना के तीन अर्थ हुए, बात सुनी थी ब्रह्मांड चेतना का अर्थ हुआ कि पिछले जीवन में कौन व्यक्ति कौन था, मैं क्या था या आप कौन थे या ये कौन था या वो कौन था, आप क्या आपके सामने क्लियर हो जाए। और इस जीवन में मुझे दुख मिल रहा है तो कारण क्या, रीजन क्या, क्यों मेरा बेटा नहीं हो रहा है, डॉक्टर कह रहे हैं कि वह मेडिकल फिट और सुंदर नहीं हो रही, रीजन क्या है, और रीजन आपको पिछले जीवन देखने पर मालूम हो पाए। ये गुरुदेव कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा गुरु था, क्या थे ये आपको मालूम हो जाए, मैं क्या था ये मेरी पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े हैं, रीजन क्या है ये आपको मालूम हो जाए। एक बात, दूसरी बात ब्रह्मांड भेजने का तात्पर्य है कि आने वाले समय में क्या घटनाएं घट सकती हैं, कहां क्या हो सकता है, पुरुष को और राष्ट्र को और संसार को तीनों को देख लेने की क्रिया है उसको ब्रह्मांड कहते हैं। और चौथी बात यह कि हम अपने जीवन में अपने आप में पूर्ण रूप से एक पुरुष से अद्वितीय युग पुरुष बन सके, एक इस ऊंचाई तक पहुंच सके जहां कायाकल्प कहा जाता है। कायाकल्प का मतलब यह नहीं कि तुम 17 साल के लड़के बन जाओगे, कायाकल्प का तात्पर्य है कि आप उतनी ताकत उतनी जवानी उतना जोर उतना बौर उतनी सुंदरता उतना यौवन उतना उमंग उतना वेग और पहाड़ को धक्का मार करके आगे बढ़ जाने की हिम्मत और हौसला तुम्हें पैदा हो उसको कायाकल्प कहा जाता है, वह कायाकल्प तुम्हें पास होना चाहिए। इस धर्मोपनिषद के श्लोक में तीसरी पंक्ति ने यह कहा है कि पुरुष उसको कहते हैं कि सामने हिमालय खड़ा है और अगर कंधे से धक्का मारे तो हिमालय 10 मील दूर जाकर खड़ा और आदमी रवाना हो जाए उसको पुरुष कहा जाए, इतनी हौसला इतना हिम्मत होना चाहिए पर गुरु दे सकता है और कोई नहीं दे सकता है। इसका इसलिए जीवन की ये सारी क्रियाएं, मैं ऐसा भी नहीं चाहता हूं कि आपको मैं कहूं कि आपको 2 लाख सूत्र जाप करने हैं तब ये बच्चे ऐसा होगा, मैं ऐसा भी नहीं कहूं, मैं आप कह रहा हूं आप ग्रंथ में रहिए मगर एक सामान्य श्रेणी के स्तर में मत रहिए, शेर की तरह रहिए, समर्थतापूर्ण जीवन जिए। क्यों हमारे पास कार नहीं है, होनी चाहिए हमारे पास कार, होनी चाहिए, क्यों साइकिल को पिक्चर ठीक कराए, क्यों गरीबी में रहे, क्यों रोग क्यों गरीबी में रहे, क्यों रोगग्रस्त रहे, क्यों अभावग्रस्त रहे, सब कुछ हमारे पास होना ही चाहिए, सबके पास है तो हमारे पास भी होना चाहिए, उनको समृद्धता कहते हैं। और आप कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, कार कैसे आ सकती है, यहां तो खाने के लिए माता नहीं है तो कार कैसे आ सकती है,
है जब आपके पास आत्मविश्वास हो। इनमें से किसी को ढूंढ सकता था, किसको ढूंढा, इसको ढूंढ सकता था, तुम्हें बोल सकता था, और तुम्हें से कोई मना कर ही नहीं सकता क्योंकि आत्मविश्वास है कि मना करने की हिम्मत नहीं इसमें, ये शायद मना नहीं कर सकता। मैं कहूंगा तुम कपड़े खोल देने, दो मिनट लगेंगे, इसको खोल के देने ही पड़ेंगे, इसको जगमा देने पड़ेंगे, क्यों मुझे मालूम है कि मेरे पास हौसला हिम्मत है और मैं इसकी सेवा सहायता कर सकता हूँ, ये मुझे ताकत है। अगर मैं एक कपड़ा भी लूंगा तो 500 कपड़े देने की ताकत रखता हूँ। इसे जीवन उसको कहते हैं, जीवन एक आनंदमय जीवन बनना चाहिए, व्यस्त जीवन भी ये समर्थपूर्ण जीवन हुआ, और साधुपूर्ण जीवन जहां हम किसी के भी जीवन को आन सके, किसी के भी जीवन का मूल्यांकन कर सके, किसी के जीवन को पहचान सके, उसकी समस्याओं को दूर कर सके, उतना योग्य बन सके। इसलिए उस राजयोग दीक्षा से पहले तात्पर्य है कि आपको उस जगह खड़ा कर सकूं जहां आप ब्रह्मांड वेदन कर सके, अपनी आंखों के सामने साकार ब्रह्मांड स्पष्ट हो, साकार टोटू जैसे आप मेरे सामने खड़े। इसके लिए जरूरी आपके मेरे बीच, आपके मेरे बीच विश्वास, एक अटूट विश्वास, इतना विश्वास कि विश्वास डिगमगा नहीं सके, डिगमगाया और खत्म हुआ। एक पति पत्नी शादी की थी और शादी करके हनीमून मनाने जा रहे थे, हवाई जहाज में बैठे, पास पास में सीटें, और हवाई जहाज खड़ा है, पायलट ने कहा कि हवाई जहाज एक पंखा गिर गया है, एक इंजन बंद हो गया है, किसी समय हवाई जहाज नीचे गिर सकता है, इसलिए अपनी बेल्ट बांध दें और आपके जो जो इशू है आप इशू को याद रखिए, मेरे पास कोई चारा नहीं है मगर मैं कॉन्टेक्ट कर रहा हूँ अगले लैंडिंग स्थल पर मुझे पॉसिबिलिटी नहीं है, कभी भी इसको विस्फोट हो सकता है, और लोग चीखने लगे अल्लाह अल्लाह करने लगे, कोई हे राम जी, हे हनुमान जी, हे बजरंग बली, जय हनुमान, ज्ञान गुण सागर, जय कबीर सिंह, तुम आ जाओ हनुमान जी बजरंग। एक आज व्यक्ति मेरे पिताजी कुछ के साथ बैठ रहा है, पति ने कहा था तुम कुछ बोलो तो कुछ करो, सही हवाई जहाज गिरने वाला, तुम कुछ बोल नहीं रहे, तुम उसने जेब से निकाला था और एकदम गर्दन में रख दिया। पति ने ये क्या करे, तुम्हें चिंता नहीं है, तुम्हें गर्दन से गर्दन काट सकता, आप मेरे कार्य में आप मेरे पति हैं, जब तुम्हें भरोसा मेरे ऊपर इतना है, मुझे भगवान का भरोसा है, मैं आपको फिक्र नहीं। विश्वास होना चाहिए, पत्नी को भरोसा है कि मैं गर्दन नहीं खा सकता, चाहे कुछ भी करे, गर्दन तलवार रख दे, उस दिन का मेरे गुरुदेव पर भरोसा है, मुझे अपने ईश्वर भरोसा है, मेरा आई तलवार बने, हवाई जहाज कितना हिले डुले, मेरा बिगड़ ही नहीं सकता, क्योंकि अटूट विश्वास है, तुम्हें मेरे पर अटूट विश्वास है, मुझे अपने गुरु पर अटूट विश्वास है कि मेरा आई तो हो ही नहीं सकता, संभव नहीं सकता, पहले बता देते मुझे। ये ज्ञान तब प्राप्त हो सकता है जब आपके मेरे ऊपर अटूट विश्वास हो और मुझे भी आपसे विश्वास हो, उसमें छल नहीं हो, उसमें झूठ नहीं हो, उसमें धोखा नहीं हो, और हमारे बीच में धोखा जैसे कोई शब्द है ही नहीं, छल जैसा कोई शब्द है ही नहीं, ये विश्वास है तुम्हारा मेरे बीच में, और उस विश्वास के अंतिम सांस तक मैं इसमें रात के 10 बजे आपके बीच में क्यों आके खड़ा होता, क्या जरूरत थी मुझे, रोटी मुझे मिल जाएगी, मेरे मकान है दिल्ली में और आपसे अच्छा मकान, आपसे अच्छी रोटी मैं खाता हूँ, आपसे अच्छा मेरा परिवार, मेरे पत्नी है, मेरे बेटे हैं, मेरी बेटियां हैं, पोते हैं, पोतियां हैं, लड़कियां हैं, दोहित हैं, दोहितियां हैं, नौकर हैं, चाकर हैं, कार है, तो मुझे रात को 10 बजे आपके बीच में चीखने की मुझे क्या जरूरत थी, इसलिए जरूरत थी कि मैं आने वाली पीढ़ियों को ये दिखा देना चाहता हूं कि मैं शिष्य है, अपने आप में एबनॉर्मल शिष्य है, ये दिखाना मुझे जरूरी है, चिंता आने वाली पीढ़ियों को भी और आने वाले युग को भी और संसार को भी। इसलिए मैं इसके बाद में 2-3 बातें हो गई हैं, एक तो कुछ लोग गुरु दीक्षा दे रहे हैं जिन्होंने मुझे लिख के दिया है कि गुरु दीक्षा दे रही है, कुछ लोग विशेष दीक्षा दे रहे हैं और वह भी जरूरी है, साधु बनने का यह नहीं है कि घर को हम आग लगा दें, जो आपकी
बाधाएं अड़चने हैं वो विशेष दीक्षा है। गुरु दीक्षा देनी है, फिर जिन लोगों ने मुझे जो सिद्ध दिए कि मुझे विशेष दीक्षा देनी है, अपने अपने जो भी प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम तो बाद में भी मुझे भी रहती है, मुझे प्रॉब्लम मुझे भी रहती है, मैं साधु हो गया तो साधु को प्रॉब्लम रहती है कि आज कोई शिष्य आए नहीं, शाम हो गई सारा कोई लाया नहीं, क्या गाँव वालों ने कहा था शाम को भोजन पहुंचा देंगे, अब तो 7 बजे में सारा गाँव वाले गधे हैं, प्रॉब्लम उनको भी रहती है, तो पेट में रोटी उसको जरूरत है, प्रॉब्लम तो जीवन में आएगी मगर हम कैसे निराकरण करें, तो प्रॉब्लम उलझे हुए रहेंगे तो ये कुछ नहीं सीख पाएंगे आप गले में पास बैठे प्रॉब्लम उलझ जाएंगे। और मैं आपको उलझन से मिटाना चाहता हूँ, हटाना चाहता हूँ, और उलझन को हटाने की क्रिया को विशेष दीक्षा करें और मिटे। मैंने कहा मिटने के लिए तुम्हारा मेरा विश्वास जरूरी, यही बात है, तुम पर पूरा भरोसा होना चाहिए, एक हाथ पकड़ो चलो चल मेरे साथ, तुम ये नहीं पूछो कहाँ गुरु जी, ये पूछा तो फिर विश्वास सीख गया, ये होना चाहिए विश्वास वह है, मैं कहीं गलत ले जाएंगे सरकार से। इसलिए सामान्य दीक्षा, विशेष दीक्षा जो प्रॉब्लम और किसी प्रकार प्रॉब्लम, कल का कल आप एकदम से जो पुरुष भी बन जाएंगे, मैं आपको झूठ छल नहीं बता रहा हूँ कि कल ही जाते हुए आप एकदम से आप पूजा करने के उनको अमीर शेयर करवा ले, आप आए पता नहीं वह बैठ के और ऑफिसर आज नहीं हुआ, मैं आप रश्मि करके कल ऐसा कृष्ण है कल के करने के लिए 15-20 महीना 2 महीना चाहे लग सकते हैं, साफ लग सकते, आप मेरे विश्वास पर डिपेंड है, आप अगर मन में ये सोचें कि आज मैं रात में दीक्षा ली कल अवसर करने के लिए बैठता हूँ, आप बैठे मैं आपसे पैर दबा रहा हूँ, विशेष दीक्षा के माध्यम से और कल भी हो सकता है क्योंकि आपका प्रमोशन होने वाला हो उस साल छुट्टी में चला जाए मर जाए कुछ भी करना करता है, होने का तो कुछ भी हो सकता है, 2 मिनट लगेंगे होना है काम हो जाएगा, हम उस ऊंचाई पे पहुंचे बस हमारा मूल लक्ष्य यही है, और धोखा नहीं है, छल नहीं करें, कपट नहीं करें, हमें किसी बात याचना नहीं करनी पड़े, मांगनी नहीं पड़े, इसे मैंने याचना नहीं की, मैं इधर आया दुपट्टा खेलता है इसका ऐसा नहीं, तो दुपट्टा देने के सोचते हो आपकी आंख माइंड में भी ताकत होनी चाहिए और क्षमता होनी चाहिए। इसलिए तीनों क्रियाएं आपको बैठे हुए मुझे बताया कि आप 5 घंटे हो गए और ये मेरे सौभाग्य की बात है कि आप 5 घंटे तक ये लेकर बैठे रहे, मेरे तो बहुत आश्चर्य की बात, हाँ बट टांग वांग हिलाने वाला साधक और 5 घंटे बैठा रहे ये खुशी की बात नहीं है, मगर मैं आपको आधे घंटे के लिए छोड़ूंगा, 1.5 घंटे के लिए छोड़ूंगा जब तक आप चाय पी सकें, क्योंकि पत्नी को छोड़ सकते हैं चाय को नहीं छोड़ बस, इन कोई बात नहीं महीने में बाद आएगी चाय, 4 रात में एक पहले एक सोमरस बनता था चाय की तरह बनता था और चाय तो अपने आप में बहुत अद्वितीय चाय या कॉफी जो भी हो बहुत ऊंची चीज, बहुत ऊंची चीज यो है कि इसमें 5 चीजें मिलती हैं, गंगा जल पहला, फिर अग्नि की उसमें आंख अग्नि का शोधन क्रिया, अग्नि देवता है देवता की उसमें क्रिया, फिर गर्भ वृक्ष की पत्तियां, फिर काम धेनु गाय का दूध और संसार की सबसे बड़ी मिठास ईर की निकली हुई मिठास, फिर उसको छान करके कप में डाली हुई चीज, अब इसे बड़ा संसार और चीज हो सकता है, देवता भी उसमें काम देनों भी उसमें मिठास भी उसमें सब, उसको आप कैसे छोड़ सकते संभव नहीं, इसलिए उसी व्यवस्था भी की है यहाँ पर। मगर मैं आपको फिर 2-3 बातें कह देना चाहता हूँ कि इस प्रयोग को करूंगा, वापिस आप आएंगे आगे समान दीक्षा वाले विशेष दीक्षा वाले और इस प्रयोग को करने वाले, ये प्रयोग है ब्रह्मांड वेदन प्रयोग, राजयोग से पहले का एक क्रिया, मगर मैं 1.5 घंटा दूंगा आपको तो हम बाहर जाएंगे और बड़े बड़े थक भी जाता है आदमी, 100 रुपये भी थक जाता हूँ, चाय पीने की व्यवस्था की है अभी आपको बता देगा चाय
कहीं यहीं पर जहाँ आपका बाहर निकलते ही तो आप यहाँ खेलों पर तैयार नहीं किए।